अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.3 में हमने पहला क्वेश्चन करना है। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करना है, शो करना है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। हमने याद होगा इसे बोला था रियल एक्सिस और इसे बोला था इमेजिनरी एक्सिस। और अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको पता है कि इसे हम रियल पार्ट बोलते हैं और इसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें एक्स प्लस वाई आयोटा के, तो यहाँ से हमारे पास आता है एक्स इक्वल्स टू टू एंड वाई इक्वल्स टू थ्री। तो एक्स इक्वल्स टू टू और वाई इक्वल्स टू थ्री की वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है रियल एक्सिस, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ये हमारा कोई ऐसा ओरिजिन है। अब x इक्वल टू टू और y इक्वल टू थ्री, तो x इक्वल टू टू इस तरह से होगा वन एंड टू, ये पॉइंट होगा x इक्वल टू टू, एंड y है थ्री, वन टू थ्री, y हमारे पास आ गया थ्री। अब टू प्लस थ्री आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें पता है कि टू के सामने और इधर से थ्री के सामने हमारे पास कोई सा ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आएगा हमारे पास, और इसको हम लिख सकते हैं ये हमारी पोजीशन है टू प्लस थ्री आयोटा की पोजीशन। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना टू प्लस थ्री आयोटा, वो इस वक्त यहां पे पड़ा हुआ है। हमने यही है इसमें काम करना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करना है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा टू माइनस थ्री आयोटा। टू जो है वो पॉजिटिव साइड पे है, वन एंड टू, और माइनस थ्री मतलब वाई की जो वैल्यू ना हमारे पास वो माइनस थ्री है। तो वाई एक्सिस नेगेटिव हमें पता है बिलो द एक्स एक्सिस होता है, वन टू थ्री, तो ये नेगेटिव। अब माइनस थ्री के सामने और टू के सामने हमारा ये वाला पॉइंट मिलेगा हमें। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें जहां तक माइनस थ्री की हॉरिजेंटल पोजीशन बनती है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया टू माइनस थ्री आयोटा की, ये हमारे पास पोजीशन है। हमने इतना ही काम करना है, ये हमने प्लॉट कर दिया, ड्रा कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइनस टू माइनस थ्री आयोटा। माइनस टू माइनस थ्री आयोटा सिमिलर, ये हमारा एक्स एक्सिस रियल एक्सिस, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, तो दोनों वैल्यूज माइनस की कौन से क्वाड्रेंट में होती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में होगी। अब ये इस क्वाड्रेंट में होगा अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब x किसके इक्वल है, माइनस टू के, और y किसके इक्वल है, माइनस थ्री के। तो x की पोजीशन हमारे पास ये आई और y की पोजीशन आई माइनस थ्री ये वाली। अब इनके सामने हम देखते हैं कि ये इसकी पोजीशन, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन क्या है। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है अप टू हॉरिजेंटल लाइन एट x इक्वल टू माइनस थ्री। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको यहाँ पे ड्रा कर दें माइनस टू माइनस थ्री आयोटा जी। तो स्टूडेंट्स, हमने ये तीन पार्ट्स किए हैं, उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। सिंपली इसमें
हमने जिस तरह से रियल नंबर्स में ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करने की जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट काम है। इसमें तो सिर्फ एक पोजीशन देखनी है हमने कि एक्स की कौन सी पोजीशन है और वाई की कौन सी पोजीशन है। तो इस तरह से एक्स प्लस आयोटा वाई इसके इक्वल ऐड करके यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारे पास एक्स इक्वल टू टू है, वाई इक्वल टू थ्री है और एक्स की पोजीशन यहाँ से एक्स एक्सिस पे मिलेगी, पॉजिटिव है तो राइट साइड पे मिलेगी, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे मिलेगी। इसी तरह से वाई की पोजीशन पॉजिटिव है तो अबव द एक्स एक्सिस मिलेगी और नेगेटिव है तो बिलो द एक्स एक्सिस हमें वाई की नेगेटिव पोजीशन मिलेगी। तो इस तरह से हमने कंप्लेक्स नंबर्स को कंप्लेक्स प्लेन में ड्रा कर दिया। जी स्टूडेंट्स, हमारा सेवन्थ पार्ट है 3/5 जिसमें x है और -4/5 y है, मतलब x और y अब फ्रैक्शंस की फॉर्म में है। तो इससे परेशान नहीं होना कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ गया तो अब हम इसको कैसे ड्रा करेंगे प्लेन में। तो बस हमने क्या करना है, क्योंकि इनकी फ्रैक्शंस सिमिलर हैं तो हम अब 1/5 का एक स्केल ले लेंगे। हम कहेंगे कि 1/5 के साथ अब ये स्केल बढ़ता जा रहा है, ये 1/5, नेक्स्ट हमारा 2/5 आएगा, इसके बाद हमारा 3/5 आता जाएगा और इसी तरह से सो ऑन बढ़ता जाएगा ये। इसके बाद ऐसे ही यहाँ पे भी कर लेना हमने कि -1/5 है, -2/5 है, -3/5 स्केल है और ये -4/5, इसी तरह से सो ऑन -5/5 जो जिसे हम 1 कह सकते हैं। तो इस तरह से ये स्केल हमने अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेना है। ये बहुत आसान सा काम है क्योंकि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस इनकी सिमिलर हैं, इसलिए ये ज़्यादा आसान है। यहाँ पे x जो है वो है 3/5 के इक्वल और y है हमारे पास -4/5 के इक्वल। तो ज़रा गौर कीजिए कि x जो है वो पॉजिटिव साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा और जो y है वो नेगेटिव वैल्यू है, तो बिलो द एक्स एक्सिस y जो है वो नेगेटिव होता है, जिसे हम y प्राइम बोलते हैं। -4/5 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो जहाँ तक 3/5 आता है वहाँ तक ड्रॉ करेंगे और इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू, ये पोजीशन मिल जाएगी किसकी, ये जो कम्प्लेक्स नंबर हमने ड्रॉ करना था कम्प्लेक्स प्लेन पे। तो ये हमारी पोजीशन है इस कम्प्लेक्स नंबर की जो कि हमने कम्प्लेक्स प्लेन में इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये था पहला क्वेश्चन हमारा। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर्स का। गिवन है कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स, हमने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये सिमिलर है, हमने एक्सरसाइज 1.2 में भी कम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया था, आपको याद होगा x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू -3 आयोटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू -3 है और हमें पता है कि x प्लस वाई आयोटा अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो इक्वल होता है x/x² + y² - y/x² + y² iota के इक्वल। और x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये 0/0² + -3² - y की वैल्यू -3 है, पुट कर दें, ये माइनस ये वाला फार्मूले का है। x की वैल्यू 0, 0² + y की वैल्यू -3² आयोटा एज इट इज। ये जो कंप्लीट ये वाली फ्रैक्शन है 0 के इक्वल आ जाएगी, ये -+ 3/0 + 9 आयोटा। अब इसको लिख सकते हैं 3/9, तो 3 जो है वो 3 = 9, तो ये इक्वल आ जाएगा 1/3 आयोटा के इक्वल। किसका इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 आयोटा इक्वल्स टू 1/3 आयोटा, -3 आयोटा। हेंस
तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 iota फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 -5 iota। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 -5 iota। इसमें हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हमें फार्मूला जो है वो पता है इसका, ये वाला फार्मूला आता है। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का ये होता है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसमें वैल्यूज पुट कर दें, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 -5 iota क्या होगा? एक्स की वैल्यू है -3 ओवर -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का। वाई की वैल्यू भी -5 -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर आयोटा। तो -3 एज इट इज, डिनोमिनेटर में -3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 5/9 प्लस 25 आयोटा। तो 9 + 25 = 34। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 -5 iota इस कंप्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये है हमारा जो है वो फार्मूले वाला मेथड। इसी से ही मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रीवियस भी करवाया था और यहाँ पे भी। एक और मेथड होता है, मेरे ख्याल में ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमने सिंपली ये फार्मूला याद रखना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारे आंसर्स हमें मिलते जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर हमने दूसरा करना है, दूसरे मेथड से करना है, तो हमें इसको 1/-3 -5 iota लिखना है, फिर उसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है और फिर आंसर आना है। ये ज़्यादा आसान मेथड है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं, क्योंकि ये प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन सॉल्व हमने किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है सिंप्लीफाई करें। आयोटा की सम पावर्स में जो है वो स्टेटमेंट्स हैं और हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, हमने इनको लोएस्ट पावर ऑफ आयोटा में कन्वर्ट करना है। हमने ये भी लास्ट टाइम ये क्वेश्चन किया था 1.2 एक्सरसाइज में, तो इसलिए ये मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? आयोटा की पावर हमने 101 लिख ली ऐसे ही। अब आपको याद होगा, एक दफ़ा रिवाइंड करें जहन में दोबारा से जो है वो लाएं कि हमने आयोटा की हायर पावर्स को कैसे सॉल्व किया था। तो आयोटा की हायर पावर्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा था कि इसकी इवन पावर और ऑड पावर को सेपरेट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 100+1। इसको लिखने का क्या फायदा हुआ कि हमने इसको आयोटा की पावर 100 और आयोटा की पावर 1 सेपरेट कर दिया। अब आयोटा की पावर 100 जो है वो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 50, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आयोटा की पावर 2 हमें पता है -1 के इक्वल होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमें याद है ना। अब आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और -1 की पावर 50 जो है वो 1 आएगा और आयोटा एज इट इज़ आएगा, तो मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास आयोटा आंसर। तो आयोटा की पावर 101 का आंसर किसके इक्वल आ गया? आयोटा के इक्वल। इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपली आपने क्या करना है कि आयोटा की पावर जो ऑड पावर है ना, उसको इवन पावर में कन्वर्ट करना है। इवन पावर सेपरेट कर ली, ऑड सेपरेट कर ली। जो इवन पावर को इसलिए सेपरेट किया क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पता है। जब -1 की पावर होगी तो या तो कोई वो नंबर माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, क्योंकि इवन पावर है तो वो हमेशा प्लस का नंबर आएगा।
अब ये आयोटा साथ है, तो ये सिंपलेस्ट पावर ऑफ आयोटा में हम इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट है माइनस ए की पावर, माइनस ए आयोटा की पावर 4। इसको सिंपलीफाई कर लें, माइनस ए जो है वो कोई सा कोएफिशिएंट है आयोटा का, तो माइनस ए की पावर 4 सेपरेटली लिख लें और आयोटा की पावर 4 सेपरेटली लिख लें। हमें वैसे भी पता है कि आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो माइनस ए की पावर 4 जो है वो ए की पावर 4 आ जाएगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि माइनस वन की पावर जो है 4 वो पॉजिटिव नंबर आता है। आयोटा की पावर 4 को हम लिख लेंगे आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। इस तरह से ए की पावर 4 आंसर आ जाएगा। रीजन क्या है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होके 1 आंसर बनाएंगे। तो इसको हमने सिंपलीफाई किया, ए की पावर 4 एक रियल पार्ट आंसर में आया। लास्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। आयोटा की पावर -10, हमने माइनस पावर है, बेशक इसको आप आयोटा की पावर 10 और उसकी पावर -1 कर लें, फिर भी एंड पे जाके हमें 1/i करना पड़ेगा, या बेशक इसको 1/i 10 कर लें, एक ही बात है। अब डिनोमिनेटर में जो आयोटा की पावर 10 है उसको सिंपलीफाई करते हैं। वन ओवर आयोटा की पावर 2 जो है कि पावर 5 हो कर दें, जब मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा की पावर 10 आ जाएगा। अब हमें पता है कि आयोटा की पावर 2 जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से -1 की पावर 5 हो जाएगा 1। अब ये -1 की पावर 5 हमें बताया है कि -1 के इक्वल होती है, तो 1/-1 किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। इस तरह से आयोटा की पावर -10 जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपने ये तीनों पार्ट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में आयोटा की जो पावर्स थी वो पॉजिटिव थी, इसलिए हमने यहाँ पे ही इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन लास्ट पार्ट में आयोटा की पावर माइनस है, इसलिए हमने इसको डिनोमिनेटर में ले गए इस तरह से। अब डिनोमिनेटर में जाके आयोटा की पावर पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव पावर जो है वो इवन पावर है, और उसको हमने इस तरह से आयोटा की पावर 2 की पावर 5 करके सॉल्व कर लेना है। ठीक हो गया। ये मेथड भी है, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने स्टार्ट में लिखा था तो मैं बता देता हूं। अब आयोटा की पावर 2 की पावर 5 हो जाएगी, -1 की पावर 5 और -1 की पावर 5 -1 के इक्वल, और इसकी पावर -1, तो माइनस की पावर -1 है, तो 1/-1 इसको लिख सकते हैं। अब पावर 1 हो जाएगी, -1 है डिनोमिनेटर में, तो आंसर भी -1 ही आएगा। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन फॉर्म ए प्लस बी आयोटा। एक्सप्रेशंस गिवन है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं है। पहला पार्ट है 5 + 2 √-4, इसको ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है, हमें पता है कि जब नेगेटिव नंबर का स्क्वेयर रूट आता है तो उसमें से आयोटा निकलता है, तो इसको इस तरह से कर लें, +2 × -1 का स्क्वेयर रूट और 4 का स्क्वेयर रूट। 4 का स्क्वेयर रूट हमें पता है क्या होता है, 2, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा 4, और ये आ जाएगा आयोटा 5 + 4 आयोटा। ये हम हमने कन्वर्ट कर दिया इस एक्सप्रेशन को ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। सेकंड पार्ट है, दो एक्सप्रेशंस हो रहे हैं मल्टीप्लाई और दरमियान में -3 का स्क्वेयर रूट है और यहाँ पे -3 का स्क्वेयर रूट है। ये पहले वाले नंबर्स चेंज हैं, मतलब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको लिख सकता हूँ √3 एंड आयोटा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, कोई इशू तो नहीं होगा उम्मीद है। -1 का स्क्वेयर रूट, इस तरह से हम इसको सेपरेट करके आयोटा की फॉर्म में लिख देंगे। हमें पता है कि आयोटा जो होता है -1 का स्क्वेयर रूट होता है। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई,
तो मल्टीप्लाई जो है ना वो बेशक डायरेक्ट कर लें, और बेशक मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ क्योंकि हम अब काफ़ी मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। उम्मीद है आपको याद होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से दरमियान में माइनस का साइन। 2 3 6, 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आ जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा रियल पार्ट प्लस अब इमेजिनरी पार्ट आएगा। और अब हमने क्या करना है, अब हमने रियल को इमेजिनरी से और इमेजिनरी को रियल से, ये आ जाएगा 2 * √3 + 3 * √3, ये रह जाएगा 3 और ये बन जाएगा 5 * √3 आयोटा। तो ये हमने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में अब कन्वर्ट कर दिया। अब एक और एक एक्सप्रेशन है, अब इसमें डिनोमिनेटर में माइनस वाला स्क्वायर रूट गिवन है, 2 / √5 + 8 का स्क्वायर रूट है, इसको लिख सकते हैं हम, याद होगा आपको -1 का स्क्वायर रूट और 8 का स्क्वायर रूट तो होता है 2 * √2। जी डिनोमिनेटर में आ गया आयोटा, कब आता है और आना नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में आयोटा आना नहीं चाहिए। तो अब क्योंकि आ गया है तो खत्म करेंगे, ठीक है, खत्म इसलिए करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा होगा तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म नहीं बनेगी, तो इसलिए इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ये ऊपर सिर्फ रियल पार्ट है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर इस तरह से आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये जब मल्टीप्लाई होंगे ये ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा है, तो ये बन जाएगा √5 का स्क्वेयर माइनस 2 * √2 का स्क्वेयर, और दरमियान में साथ में आयोटा भी लिख लें, ये आएगा 2 * √5 माइनस 4 * √2 आयोटा, और ये आएगा स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल होगा यहां से, और ये भी इसका स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल होगा और 2 का स्क्वेयर आएगा, ये आएगा 5, 2 का स्क्वेयर 4 * 2 क्या बन जाएगा 8, और आयोटा का स्क्वेयर फाइव माइनस 8 * -1, माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा 8 + 5 = 13। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, अब 2 * √5 / 13 माइनस 4 * √2 / 13 आयोटा। तो ये हमने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, इस एक्सप्रेशन को जब हमने सॉल्व किया ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में तो ये इसके इक्वल आएगा। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, हमने ये क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था, सिंपलीफाई करना था सिंपली ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, अपनी कॉपी पे लिखें। जी स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट, कहता है शो दैट जी स्क्वेयर प्लस जी कंजुगेट का स्क्वेयर इज अ रियल नंबर। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ये कोई सा एक्सप्रेशन जो है ये रियल नंबर बनता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सुपोज करेंगे, लेट करेंगे कि जी हमारे पास कोई सा कंप्लेक्स नंबर है, जी कंप्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। अब इन दोनों को इस एक्सप्रेशन में पुट करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रियल नंबर आता है या नहीं आता, हमने डेफिनेटली आएगा क्योंकि शो करना है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वेयर एक्स माइनस आयोटा वाई का। असल में इस पे अगर आप गौर करें तो ये कंप्लेक्स नंबर है, और कंप्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होके क्या बनाता है, और यहाँ पे भी कंप्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होके कंप्लेक्स नंबर बनाएगा, लेकिन क्योंकि इनके साइंस चेंज हैं तो इनके आयोटा वाले जो पार्ट्स हैं ना वो कैंसिल हो जाएंगे। असल में एक्स का स्क्वेयर प्लस आयोटा वाई का स्क्वेयर प्लस 2 * x * आयोटा वाई,
प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस छोटा वाई का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म जो है उसका स्क्वेयर, माइनस टू इंटू एक्स इंटू सेकेंड टर्म आयोटा वाई, दरमियान में माइनस है इसलिए 2ab के साथ माइनस आएगा। अब एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज आ जाएगा, आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, टू एक्स वाई आयोटा, एक्स स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई आयोटा। अब ये प्लस टू एक्स वाई आयोटा है, ये माइनस टू एक्स वाई आयोटा है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर, और ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन, प्लस ये भी माइनस वन और वाई स्क्वेयर, तो ये दोनों आपस में ऐड होके क्या बनाएंगे, टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू वाई स्क्वेयर, मतलब टू इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ना आप हमारे पास, ये बिलोंग करता है किसको, सेट ऑफ रियल नंबर्स को, क्योंकि इसमें आयोटा जो है वो नहीं है, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद सेकंड पार्ट है, कहता है कि प्रूव करो कि ये भी एक रियल नंबर है। तो इसको रियल नंबर प्रूव करने के लिए सिमिलरली हमने इतना सा काम दोबारा से करना है। सपोज करना है कि z और z कंजुगेट जो है वो कोई से कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेट करेंगे z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई है, देन हमारे पास z कंजुगेट x माइनस आयोटा वाई के इक्वल होगा, और इस एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, z आ गया x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, सिंप्लीफाई कर लें क्या बनेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई और माइनस जो है वो प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। अब ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट होके जीरो आंसर लाएंगे, टू आयोटा वाई ऐड होके टू आयोटा वाई बना देंगे ये दोनों, और इसका स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रही है सारी टर्म्स, 2 का स्क्वेयर 4 आयोटा स्क्वेयर एज इट इज और वाई स्क्वेयर, ये आ जाएगा माइनस फोर वाई स्क्वेयर, जो कि ये भी बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। तो आपने देखा कि दोनों जो है वो, ये क्वेश्चन भी इस एक्सप्रेशन में भी जो है वो आयोटा ख़त्म हो गया, तो हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड जी। तो स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चंस आप देख लें, मैं थोड़ा सा इनको रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे z स्क्वेयर प्लस z कंजुगेट का स्क्वेयर है, कहता है कि एक्सप्रेशन जो है ना वो रियल नंबर है असल में, तो हमने जो है ना वो z हमें बताया कोई कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो कम्प्लेक्स नंबर लिया कंजुगेट लिया, अब इनके स्क्वेयर्स का सम आएगा, तो स्क्वेयर्स का सम किया, स्क्वेयर में वैल्यूज पुट की, फिर उनको स्क्वेयर्स को एक्सपेंड किया, पहले वाला स्क्वेयर की एक्सपेंशन इतनी इतनी है, फिर इतनी इतनी दूसरे स्क्वेयर की एक्सपेंशन हो गई, अब इसमें एक टर्म कैंसिल आउट हो गई और बाकी टर्म्स को ऐड किया, तो ये जो हमारे पास एक टर्म आई, एक्सप्रेशन आया, ये कोई सा रियल नंबर है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर टू में भी हमने, इसमें भी सिमिलर लेट करना है, जी कोई सा कम्प्लेक्स नंबर, फिर जी कंजुगेट भी कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा, और इनको इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट किया। अब स्क्वेयर होल का है, तो उससे पहले हम इन वैल्यूज को पुट करने से सिंप्लीफाई किया ना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इनके साइंस चेंज हो गए, और सिंप्लीफाई करने से एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो गया, आयोटा आ गया, आयोटा का स्क्वेयर हमें पता है माइनस वन के इक्वल होता है, तो आयोटा यहाँ से ख़त्म हो गया, हमें एक रियल नंबर मिल गया, हमने यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उम्मीद है आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।